तो फ्रेंड हमारे साथ हैं देव जी एक बार फिर से अजीत ओरो एटलांटिस में हमें एक अलग सैंपल दिखाने के लिए। सर तो उसमें क्या सैंपल का साइज रहेगा? थैंक यू सो मच गणेश जी। अभी जो मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको 1365 स्क्वायर फीट का 3 BHK है। इससे पहले आपने देखा होगा 1525 स्क्वायर फीट का, वो भी 3 BHK था हमारे पास। अभी जो दिखा रहा हूँ दोनों का लेआउट सेम है, बस जो फर्क आएगा वो सिर्फ साइज का रहेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं, आइए चलते हैं। इससे पहले एक चीज़ और जान लेते हैं, लॉबी में कितने फ्लैट्स रहेंगे? सर जो टोटल फ्लैट्स आपको लॉबी में मिल जाएंगे, टोटल 7 फ्लैट्स मिलेंगे, जिसमें से आपके जो 3 फ्लैट्स रहेंगे वो आपके 2 BHK करेंगे, बाकी के 4 जो होंगे वो 1365 स्क्वायर फीट के 3 BHK। लिफ्ट कितने रहेंगे सर? इसमें आपको लिफ्ट सर दो मिलेंगे, दो लिफ्ट एंड दो स्टेकेसेस। तो 1365 स्क्वायर फीट में हम देख रहे हैं 3 BHK। एंटर करते ही ये पाउडर रूम आ जाता है आपका छोटा सा, जो कि आपके जो भी गेस्ट आते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर बाकी वही सेम आपको लिविंग एंड डाइनिंग एरिया जो 1525 में था। तो यहाँ पे आपको ड्राइंग कम डाइनिंग का स्पेस कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है जब हम फ्लैट के अंदर आते हैं। और यहाँ पे किचन का स्पेस आ जाएगा, किचन का साइज़ भी अच्छा है 1365 के अकॉर्डिंग। यहाँ पे फ्रिज का सेक्शन आ जाएगा, ये आपका ग्रेनाइट का स्लैब, यहाँ पे सिंक, यहाँ से आपने यूटिलिटी दे रखी स्पेस बालकनी के लिए। काफ़ी अच्छा लेआउट मैं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर बालकनी की यूटिलिटी स्पेस है। एक कॉमन आपकी बालकनी आ जाती है जो यहाँ से रन करती है। नमस्कार भैया, यही आपका आ जाता है किड्स रूम। ओके, किड्स रूम, और यहाँ से किड्स नहीं, ये वाला गेस्ट रूम है आपका, और ये एक्सेस हो जाएगा बालकनी के लिए। ये बालकनी खोलते ही आपको हवाएं मिलेंगी यहाँ से, बिल्कुल। और यहाँ पे प्रॉपर आपने विंडो दे रखा है, और ये आपका कॉमन वॉशरूम जो कि दूसरे बेडरूम से भी अटैच है। तभी हम हैं अजीत ओरो एटलांटिस में, जो कि LDA अप्रूव रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है। फिर हम इस वाले रूम में आते हैं, ये आपको मास्टर बेडरूम मिलता है विद वॉशरूम एंड विद आपका बालकनी, अटैच वॉशरूम, अटैच बालकनी। वॉशरूम का साइज भी काफ़ी अच्छा है, एक अच्छा रूम साइज है दोस्तों। हाँ, आगे चलते हैं, मैं काट। अब हमारे पास तीसरा कमरा है, वो आपका किड्स रूम आता है, जो आपको वार्डरोब स्पेस के साथ प्लस बालकनी, वार्डरोब के लिए हॉलो स्पेस, एक बड़ी सी बालकनी। किड्स रूम में आपने एक सेपरेट बड़ी बालकनी दी है। आपको इस बालकनी से प्रस्पेक्टिव आपको पूरी सोसाइटी का व्यू ही मिल सकता है पीछे की तरफ, एंड आपको इस तरफ पूरी टाउनशिप का व्यू मिल सकता है लेफ्ट साइड से, जहाँ पे आपको लो राइज विलास देखने को मिलेंगे। और ये कॉमन वॉशरूम हो जाएगा आपका, जो कि दोनों बेडरूम से अटैच है। तो मैं रिवर्स कर देता हूँ लेआउट आपको। हम अभी निकल रहे हैं किड्स रूम से, राइट हैंड पे आपका मास्टर बेडरूम विद अटैच वॉशरूम, बालकनी सेपरेट है। ये आपका गेस्ट रूम, इससे भी बालकनी है, और आपका कॉमन वॉशरूम, दोनों बेडरूम से शेयरिंग होती है, वो आपकी प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए। एक बड़ी सी विंडो, ड्राइंग कम डाइनिंग का स्पेस यहाँ पे आ जाएगा, वहाँ पे किचन, वो बालकनी। इस तरह से हम बाहर निकलते हैं। सर से हम आस्किंग प्राइस पूछ रहे थे, सर प्राइस क्या चल रहा है? सर इसका आपका बेसिक सेलिंग प्राइस जो जाता है 69 लाख जाता है, और इसमें आपको आउटर कार पार्किंग जो होती है वो इसमें इंक्लूड रहती है। इसमें कार पार्किंग इंक्लूड है? हाँ, मतलब आपको जो पहले की यूनिट थी उससे भी आपकी आउटर कार पार्किंग जो है वो आपको प्राइस लिस्ट में इंक्लूड रहती है। अच्छा, इसके अलावा एडिशनल चार्जेस और रहेंगे? हाँ, प्लस GST रहेगी, कोई PLC है तो वो रहेगी। यस, और रजिस्ट्री तो रहती ही है जी। तो कुल मिला के इस प्रॉपर्टी कॉस्ट कितनी? GST मिला के अगर आप बात करो 79 to 80 लाख, 79 से 80 के आसपास इसकी प्रॉपर्टी की कॉस्ट आएगी फ्रेंड, एडिशनल चार्जेस GST को मिला लें। तो ये प्रेजेंट टाइम के प्राइस हैं, आगे प्राइस आपके बढ़ने ही हैं। तो इस तरह के वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। करंट प्राइस के चैनल को आप सेल्स टीम को कॉल कर सकते हैं, वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे, करंट प्राइस भी आपको बताएंगे, विजिट मीटिंग बुकिंग कराने में आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू।